मध्य प्रदेश के सिवनी जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर सिवनी बालाघाट राजमार्ग पर बरघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोड़िया में सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे दो कारों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में एक कार में सवार बालाघाट निवासी नितिन नेमा 43 साल और उनके बेटे अक्षांश 9 साल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं पत्नी और बड़ा बेटा गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटनाग्रस्त दूसरी कार में सवार 8 घायलों का इलाज चल रहा है। सभी 10 घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरघाट व जिला अस्पताल सिवनी में चल रहा है। नेमा परिवार नरसिंहपुर में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस बालाघाट लौट रहा था। वहीं बालाघाट से एक कार में सवार 7 लोग जिले के बरघाट में आयोजित विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी बीच दोनों कार वाहनों की जोरदार टक्कर हो गई। सिवनी बालाघाट मार्ग पर 24 घंटे में ये दूसरा सड़क हादसा घटित हुआ है। आपको बता दें कि गत रविवार शाम बरघाट थाना के ग्राम धरना के पास हुए एक सड़क हादसे में बाइक पर सवार एक की मौत हो गई थी।